ये देखिए यम्मी सॉफ्ट चॉकलेटी केक सिर्फ दो चीजों से बना हुआ मात्र 10 मिनट में। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सुपर क्विक सुपर टेस्टी यम्मी मॉइस्ट केक, और वो भी सिर्फ दो चीजों से। और ये केक हम बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट में, बिना दही, बिना कंडेंस मिल्क, बिना अंडा, बिना ओवन, बिना कुकर, बिना बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बिना इनो और बिना नमक में बेक किए। आज इस 2 इंग्रेडिएंट केक को मैं बनाने वाली हूँ पानी से। तो आप सोच रहे होंगे पानी से कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज 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 तो ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुपर टेस्टी सुपर क्विक केक बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है ओरियो बिस्किट। ये सिंपल मैंने ओरियो बिस्किट के 2 पैकेट लिए हैं, और ये जो ओरियो बिस्किट लिए ये मैंने चॉकलेट वाली ली है। तो जैसे मैंने ये चॉकलेट वाली ली है, अगर आपके पास व्हाइट वाली क्रीम वाली है तो आप वो भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ली जा सकती है। तो सबसे पहले आप लीजिए ओरियो बिस्किट और इसको हम बीच में से इस तरह खोल लेंगे। तो ये जो आप क्रीम देख रहे हैं ना, इसको एक नाइफ से इस तरह हम अलग कर लेंगे, और इस तरह से जो क्रीम हम अलग कर रहे हैं उसे आप इसी तरह अलग अलग करके रख दें। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी बिस्किट की क्रीम अलग कर दी है बिल्कुल इस तरह। इसको अभी हम रख देंगे, इसका भी हम यूज करेंगे। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में सारी बिस्किट को डाल देंगे और बिस्किट का एकदम फाइन पाउडर तैयार करेंगे। तो अब हम लेंगे एक बोल, मैंने बिस्किट को अच्छी तरह पीस लिया है और इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना लिया। और ये देखिए, मैंने बिस्किट का एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। बिल्कुल आपको फाइन पाउडर करना है, ध्यान रखिए कि इसमें पीसेस ना हो। बस इस स्टेज पर मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप दूध। कोई भी मेजरमेंट के लिए कप सेट कर रहे हैं, तो ये 1 कप दूध है, उबला हुआ दूध है, रूम टेम्परेचर पर है, बहुत गर्म नहीं है, सिंपल दूध लिया हुआ है मैंने। सारा दूध एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, सिर्फ हमें इतना दूध इसमें इस्तेमाल करना है कि इसका एक सेमी थिक घोल बन जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। बस यही 2 चीजें हमें इस केक को बनाने के लिए चाहिए फ्रेंड्स, और ये इतनी बढ़िया केक बनती है कि आपको भी विश्वास नहीं होगा कि सिर्फ 2 चीजों से भी केक बनाई जा सकती है। देखिए अभी गाढ़ा है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। ओरियो में अपनी ही मिठास होती है और अपने ही फ्लेवर होते हैं, तो यहाँ पे हमें कोई चीनी वीनी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार के फ्लेवर की। और ये देखिए, मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, और जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस प्रकार की है, रिबन कंसिस्टेंसी। इसे गिराने पे ये आपको रिबन की तरह दिख रहा होगा, ये इसकी इंडिकेशन है। बस इतना हमें घोल को रखना होगा, और इतना घोल बनाने में जो मैंने दूध 1 कप लिया था उसमें से सिर्फ 3/4 कप लगा है, इतना दूध बच गया है। तो चलिए अब इस केक को आज हम बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं। आप सभी का सवाल था कि पानी की स्टीम में भी हम केक को बना सकते हैं, आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो अब आप रखिए एक बड़ी सी कढ़ाई इस तरह से, और उसमें लगा दीजिए एक स्टैंड या कोई भी कटोरी भी ले सकते हैं, उल्टी करके आप उसे रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ। अब हम गैस को ऑन करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर पानी में उबाल आने देंगे, इसे बढ़िया से गर्म होने देंगे, इस पर एक लगा देंगे लिड। अब ये मैंने यहाँ पर लिया है 1 केक टिन, आप किसी भी प्रकार का 1 केक टिन ले लें, और उसमें हम डालेंगे कुछ बूंद ऑयल की, और अच्छी तरीके से इसको ग्रीस कर देंगे जिससे कि केक हमारी आसानी से निकल आए। आप किसी भी शेप का ले सकते हैं। अब इस पर मैं लगा रही हूँ 1 बटर पेपर, इसको लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, बटर पेपर बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली जैसे मैंने अभी टिन को ग्रीस किया था उसके ऊपर भी आप केक बटर डाल सकते हैं। अब बटर पेपर को भी हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अब केक टिन में जो अभी हमने बैटर तैयार किया था, उस बैटर में से आधा, सिर्फ आधा हम इसको डालेंगे, सारा नहीं डालेंगे, स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर इस केक को बनाने के लिए ना ही किसी प्रकार के बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर की जरूरत है, और ना ही किसी प्रकार के इनो फूड सॉल्ट की। इसको हम बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे 2 चीजों से, और आधा बैटर डालने के बाद हम इस तरह से टैप करेंगे जिससे ये एक सार हो जाए। आधा बैटर मैंने बचा लिया है बाद के लिए। तो चलिए कढ़ाई को भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आप देख सकते हैं, पानी काफी अच्छा गर्म हो गया है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, और जो टिन में अभी हमने आधा बैटर डाला था ना, उस टिन को इस प्रकार स्टैंड पर रख देंगे। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे इस तरह से 1 टॉवल, क्योंकि अब हम पानी में बना रहे हैं ना, तो इस तरह से लगाने से बढ़िया स्टीम होगी हमारे केक, उसके ऊपर पानी नहीं पड़ेगा। और इस तरह से इसके ऊपर ढककर लगाएं, और ढककर लगाने के बाद टॉवल को चारों तरफ से उठा दें, और टॉवल को इस तरह ऊपर ढक्कन के हम, देखिए ये मैंने रखा था, इस तरह हम कवर कर देंगे। अब सिर्फ लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसी तरह से स्टीम लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी केक ऊपर से स्टीम हो गई है। बस 5 मिनट बाद ही इस तरह से जो हमने
सारे क्रीम के पीसेस निकाले थे ओरियो में से, अब आप एक एक क्रीम का पीस उठाइए और इसके ऊपर इस तरह से सजा दीजिए, है ना मजे की चीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुपर टेस्टी रेसिपी है, और हमारी बिस्किट भी यूज हो गई और उसकी क्रीम भी। अब अलग से आपको कोई व्हिप क्रीम वगैरह इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कुछ देर के लिए गैस को ऑफ कर दिया है और यही कढ़ाई में ही मैं इस तरह से ऊपर से क्रीम लगा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आप करें। और ये देखिए मैंने सारे क्रीम के पीसेस को लगा दिया है। अब जो बचा हुआ बैटर था धीरे धीरे इसके ऊपर हम डाल देंगे, बिल्कुल स्लोली पूरे को कवर कर देंगे इस तरह से, और थोड़ा सा एक स्पून या स्पैटुला की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर से स्मूथ कर लें। और इस तरह से स्प्रेड करने के बाद फिर से हम 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इस पर लिड लगा देंगे पहले की तरह ही, और 5 मिनट इसी तरह स्टीम लेंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं तो चलिए केक को चेक कर लेते हैं। वाओ, बिल्कुल परफेक्ट, आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया हमारी केक तैयार हो गई है। अब आप लीजिए एक टूथपिक और टूथपिक को थोड़ा सा डालकर इस तरह चेक करेंगे। परफेक्ट पिक हमारी बिल्कुल क्लीन निकली है। गैस को ऑफ कर देते हैं, थोड़ी देर इसको इसी तरह ओपन छोड़ेंगे, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। बिल्कुल परफेक्ट और मॉइस्ट और सॉफ्ट होती है ये केक, आप जब मन चाहे तब 10 मिनट में इस केक को तैयार कर सकते हैं। तो हमारी केक अब हो गई है ठंडी, आप देख सकते हैं, और इसने साइड्स को भी छोड़ दिया है। ठंडी हो जाने पर केक अपने आप ही साइड से थोड़ी अलग हो जाती है। अब हम लेंगे एक नाइफ और एक नाइफ से इसके किनारों को थोड़ा सा अलग कर लेंगे। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स ये केक बनाना, और आपने देखा कि सिर्फ स्टीम से ही यानी कि पानी की भाप से ही आप बहुत अच्छी केक बना सकते हैं। अब इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। वाओ सुपर, और ये देखिए इस तरह से हम पूरे बटर पेपर को हटा देंगे और आप देख सकते हैं केक का टेक्सचर और मॉइस्ट। और ये देखिए हमारी सुपर सॉफ्ट केक फटाफट से 10 मिनट में तैयार हो गई। इसको अब मैं गार्निश करने वाली हूँ चॉकलेट सिरप से। चॉकलेट सिरप की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही जल्दी आप घर में बना सकते हैं, वरना जैसे हर्शीज सिरप वगैरह होते हैं आप वो ले सकते हैं, या इसको व्हिप क्रीम से सजा सकते हैं, या गनाश से सजा सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप इसे किसी तरह भी डेकोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से आप स्पून या किसी भी स्पैटुला से चॉकलेट सिरप से इसको पूरा कवर कर दें। बस आप 2 मिनट इसी तरह रहने दें, 2 मिनट में ये सेट हो जाएगी और फिर हम इसको कट करेंगे। लग रही है ना एकदम बढ़िया। अब इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ एकदम माउथ मेल्टिंग ये केक बनती है फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे काटने से ही देख रहे होंगे, और मैं बीच में से भी इसमें एक कट लगा देती हूँ। तो अब आप चाहे इसे केक बोलिए या चॉकलेट पेस्ट्री बोलिए, फटाफट बनने वाली 2 इंग्रेडिएंट्स वाली, है ना मजेदार। तो देखिए मैंने इसको 6 पीसेस में कट कर लिया और मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि कितनी ग्लॉसी और कितनी शाइनी लग रही है। और सच मानिए खाने में इतनी चॉकलेटी है कि जिन्हें चॉकलेट बहुत पसंद है तो उनके लिए तो ये ट्रीट है। इस क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी पे तो इसको बनाना बनता है ना फ्रेंड्स। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक कीजिएगा। तो लीजिए हमारी झटपट बनने वाली चॉकलेट केक है बिल्कुल तैयार, लग रही ना एकदम यमी। बहुत ही सॉफ्ट होती है क्योंकि हमने इसको स्टीम से बनाया है, जिसकी वजह से जो इसका टेक्सचर है फ्लेवर है बहुत ही सुपर यमी होता है एकदम मॉइस्ट। तो देखा आपने, आप पानी की स्टीम से भी बहुत ही बढ़िया केक बना सकते हैं। अब आपके जो सवाल थे कि पानी की भाप से केक कैसे बनाएं, उम्मीद करती हूँ वो सॉल्व हुआ होगा। आप भी जरूर इस केक को ट्राई करें और मुझे जरूर बताएं आपको ये झटपट बनने वाली केक कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे टिकटॉक फेसबुक इंस्टाग्राम हेलो पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज के इंग्रेडिएंट और डिटेल आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत। फाइव टेबल स्पून शुगर चीनी, 3 टेबल स्पून कोको पाउडर ये मैंने लिया है, 1/2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट ये मैंने लिया है, 1 टेबल स्पून बटर ये मैंने लिया है, 150 ml मिल्क यानी दूध, 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून मैंने ली है मैदा। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, शुगर डालेंगे, मैदा डालेंगे, कोको पाउडर डालेंगे, और सभी चीजों को एक विस्कर की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे। ये देखिए ये मैंने सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है।
अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क, बटर। अब हम बटर को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे। डालेंगे अब इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट। तो अब देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से बटर मेल्ट हो गया है। फ्लेम को मैंने मीडियम किया हुआ है। जब मिल्क अच्छी तरीके से बिल्कुल बॉईल होने के स्टेज पर आ जाए और पूरा बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए, तब थोड़ा थोड़ा करके हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। एक साथ डालेंगे तो लम्स बन जाएंगे। और अब इसमें एक उबाल आने देंगे। सॉस धीरे धीरे अपने आप गाढ़ी होने लगेगी। तो बस एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के बाद हम इसको बंद कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि उबाल आना शुरू हो गया है। इस तरीके से थोड़ा सा और चलाएंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। और ये देखिए कि कितनी बढ़िया सॉस तैयार हुई है। अब इसको हम होने देंगे बिल्कुल ठंडा। ये देखिए जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी, ये गाढ़ी होती जाएगी। चॉकलेट सॉस बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही बढ़िया गाढ़ी भी हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है।